अमेरिका के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी एंथनी फासी ने नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते और टीकाकरण में स्थिरता की वजह से अपने देश में कोरोना महामारी की पांचवी लहर आने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन के अधिक संक्रामक होने के संकेत मिले हैं। हालांकि उन्होंने रविवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह बताया था कि ओमिक्रॉन पर ठोस जानकारी मिलने में कम से कम 2 हफ्ते का वक्त अभी और लग सकता है। साथ ही ये उम्मीद भी जताई थी कि संक्रमण के गंभीर होने से रोकने में मौजूदा वैक्सीन कुछ हद तक सफल हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को सलाह दी है कि इस वेरिएंट को चिंता का कारण मानना चाहिए, ना कि घबराने का। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे तेजी से कोरोना वायरस वैक्सीन को लगवाएं। ओमिक्रॉन के म्यूटेशन को लेकर अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वैक्सीन बनाने वाले विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं ताकि ओमिक्रॉन के म्यूटेशन को लेकर तैयारी की जा सके। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका बिना लॉकडाउन या यात्रा बैन लगाए ही ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काबू पाने में सक्षम है। अमेरिका ने अभी 8 अफ्रीकी देशों से यात्रा पर कई तरह की रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।